दोस्तों, क्या आप अपने फोन में व्हाट्सएप को यूज करते हैं? और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फोन में जो व्हाट्सएप को यूज करें उसकी सारी चैट कोई और तो नहीं पढ़ रहा है, या फिर उसकी सारी चैट की बैकअप कोई और तो नहीं ले रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी व्हाट्सएप कहीं हैक तो नहीं हो गई है, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम कैसे पता करें कि हमारी व्हाट्सएप कहीं हैक तो नहीं हो गई है, या फिर हमारी सारी चैट की बैकअप कोई और तो नहीं ले रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम ओपन करते हैं अपनी व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इस तीन बिंदु पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, और तीन बिंदु पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप वेब, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर देने के बाद अगर आपके फोन में कुछ इस तरह से आ रहा है, तो फिर आप ये समझिए कि आपकी व्हाट्सएप चैट कोई और पढ़ रहा है, अपने फोन में आपकी सारी व्हाट्सएप चैट को कोई और देख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे केस में हैकर की एक्सेस को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे दोस्तों हैकर की एक्सेस यहाँ से रिमूव हो जाती है। अगर अब यहाँ से आते हैं बैक और आप फिर से इस तीन बिंदु पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद हम फिर से क्लिक करते हैं व्हाट्सएप वेब पे, तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर क्लिक करते हैं लिंक ए डिवाइस पे, तो अब यहाँ पे आपकी फोन की कैमरा ओपन हो जाती है। इस तरह से आपकी फोन की कैमरा ओपन होने के बाद फिर आप समझ जाइए कि आपकी व्हाट्सएप बिल्कुल सेफ है। यहाँ से हम आते हैं बैक, और यहाँ पे दोस्तों अब हम जानेंगे दूसरी सेटिंग की। तो यहाँ से हम फिर से आते हैं बैक और इस तीन बिंदु पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा चैट्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और चैट्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि आपकी ये जो गूगल अकाउंट है, इसमें ये जो ईमेल आईडी है आप ही की है या फिर कोई और व्यक्ति की है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये ईमेल आईडी कोई और व्यक्ति की है, तो फिर आप ये समझिए कि आपकी फोन कोई और व्यक्ति लेकर यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऐड किया हुआ है, जिससे आपकी सारी चैट की बैकअप उस इंसान की ईमेल आईडी की गूगल ड्राइव पे शेयर हो रहा है। तो इसे हटाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद यहाँ से आप अपनी जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों हैकर की एक्सेस रिमूव हो जाती है और आपकी व्हाट्सएप बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।